कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहां भी परिणाम कर्नाटक जैसे आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन की काउंटिंग थोड़ी जटिल होती है और प्रक्रिया बदलती रहती है। कल चुनाव आयोग ने कुछ नई चीज जोड़ी है, टेबल की संख्या भी बढ़ी है, बैलेट पेपर की गिनती पहले राउंड में होगी। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे परिणाम आएंगे और 130 सीट जीतने का हमारा अनुमान है। काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट के साथ साथ ना इंसाफी ना हो किसी तरह से, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं उन लोगों को। क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है और प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं, और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनकी अलग गिनती होगी। इन सारी चीजों से अवगत कराया जा रहा है जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी हैं वहाँ पर। हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है, और उसकी शुरुआत कानून अनुसार चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है, वो खत्म नहीं हो पाती है। तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते, और उसको अंतिम चक्र के बाद जहां बहुत नजदीक मामले होते हैं वहां कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक न मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियां दी जा रही हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।